कुछ कार्य मिले थे दोस्तों सीएससी एसपीबी टीम को, जो जमीनी स्तर पे शायद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे मंत्री जी ने सीएससी को ही बंद करने का आग्रह कर दिया है। कहाँ पे ये मामला उठाया गया है दोस्तों? राज्यसभा में उठाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा वाईफाई चौपाल के बारे में, इसके आगे दोस्तों वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने पार्लियामेंट में इतनी अच्छी व्यवस्था कायम की है कि आज हमें कागज, मुझे याद है वो दिन जब हम लोग टेबल ऑफिस में आके कागज में हस्ताक्षर करके नोटिस देते थे और दौड़ते दौड़ते आते थे, लाइन लगाते थे। आपने ऐसी व्यवस्था की है कि ऑनलाइन हम लोगों ने पूरा इस बार का, और ये भी लॉटरी में जो आया है ये, महोदय मैं ऑनलाइन जाकर के मैंने अपनी लॉटरी में स्थान प्राप्त किया है। लेकिन सर ये एक मेरे लिए बड़ा चिंता का है, और मैं तो बिहार से आता हूँ, 12 करोड़ की आबादी है और देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है, और आज हम लोगों ने तय किया कि देश के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचाएंगे। और जो ये अवकाश के पीरियड में मैं अपने गांव पर था, मूलतः मैं अपने गांव पर ही रहता हूँ, और वहां से मैंने कोशिश किया, मैं गांव पर ही रहता हूं अध्यक्ष जी, आप भी जानते मैं गांव पर रहता हूं। मैं पूरे इस दौरान अध्यक्ष जी, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अमनौर में आप भी गए हैं और अध्यक्ष भी गए हैं और सारण जिला का है, मैं वहां पर था। और मेरी इच्छा होती है कि जब मैं गांव पे रहूं कि जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो लोगों को मिलता है वो मेरे गांव में मिले। मेरे गांव में मिलेगा तो मेरे जिला में मिलेगा, देश में मिलेगा। और साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 15 दिन में 10 दिन वहां था, और 10 दिन लगातार, और मैं आपको रिकॉर्ड भी पेश करूंगा कि मैंने इंटरनेट सुविधा के लिए वहां से आवेदन डाला, और मैं प्रत्येक दिन इंटरनेट जो गिरा रहता था, वाईफाई जो चौपाल सीएससी गिरा डाउन रहता था, उसका मैं स्नैपशॉट लेकर के मैंने भारत सरकार में भेजा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं उसमें उसमें गड़बड़ी कहां हुई है अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे संरक्षण सिर्फ एक बात चला रहा। नहीं, एक भारत सरकार में अगर बीएसएनएल है तो उसको डांट करके हम बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, सरकार के कर्मचारी है। बीबीएनएल है तो उसको बुला करके हम लोग डांट करके बात करते हैं कि भैया ये तार क्यों नहीं काम कर रहा, वो सरकार का है, हमारी सिंपति, हम लोग उसको मदद करते हैं। 2006 में भारत की सरकार ने एक नया चीज बना दिया जो हम लोगों को समझ में नहीं आया, और आज हम लोगों के लिए वो जखम बना हुआ है, और वो है सीएससी। और ये सीएससी एक ऐसी संस्था है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल भारत सरकार में क्यों बनाया गया, जब बीएसएनएल था, बीबीएनएल था, सीएससी क्यों बनाया गया? और सीएससी को फिर बाद में स्पेशल अरेंजमेंट के तहत उसे पूरे भारतवर्ष में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिम्मेवारी दे दी गई। अब वो आप दिशा की बैठक कर ले अध्यक्ष जी, आप जिला की बैठक कर ले, आप राज्य की बैठक कर ले, ये सीएससी वाले जिनको करोड़ों रुपया दिया गया था वो एक बैठक में नहीं आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट है, और उसको पूरा पैसा दिया गया, ये प्राइवेट है। वो कहता है कि मुझे क्या आपसे काम है, मुझे तो सरकार ने दिया है। साहब हम लोग, मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैं बिहार में जानता हूं, और मैं, और उसी को दिया जाता है कि ग्रामीण में सीएससी सेंटर के लिए, उसके पास आप एप्लीकेशन डलवा दीजिए, बैंक के अकाउंट के नाम पर रिजेक्ट कर देगा। ये प्राइवेट व्यक्ति कौन है अध्यक्ष जी? और मैंने मंत्री जी से मुलाकात की, मैं भारत की सरकार और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है कि सीएससी को बंद करो, ये जितने ज्यादा बीच में जो सिस्टम बने हैं जिससे बदनामी होती है, प्राइवेट जिसका कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से, वो पूरे भारत के 6 लाख गांवों में लगा रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और बिहार के जो अधिकारी है, मुझे तो आप लोगों की सदन की ताकत से मैं बिहार के किसी अधिकारी के साथ बैठक कर सकता हूं, लेकिन बिहार के में अधिकारी और मेरे कहने के बाद भी हमारे जैसे व्यक्ति का, सीएससी का एक आदमी पिछले 7 साल में एक बैठक में नहीं आया जो देश के इंटरनेट के लिए जिम्मेवार है। महोदय आपके 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 से संरक्षण चाहूंगा, वैसे अधिकारी जो प्राइवेट के नजरिया से प्राइवेट फेस बना करके भारत सरकार के पैसे से, जिसकी जिम्मेवारी ये हमको दे रहे, वो बिल्कुल इस देश में धोखा कर रहे। देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये सीएससी के जो स्थापित पूरे भारतवर्ष में ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एजेंसी है जो ब्रॉडबैंड पर, उस पे आपसे संरक्षण चाहूंगा अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार के उन अधिकारी जो इन बच्चों ने, हमारे यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, आपने सड़क दिए, बिजली ला भी दे, आप मुझे इंटरनेट की सुविधा दे दीजिए, मैं महीने में 5 लाख कमा सकता हूं। देश का नौजवान तो यही मांग रहा है कि मुझे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दे दीजिए, देश और दुनिया में हम अपनी नजारा दिखा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सीएससी का ये जंजाल, और खास करके वैसे अधिकारी जो इन गरीब बच्चों का जो आवेदन को रिजेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और विशेष माननीय सदस्यगण जी, सभी माननीय सदस्यगण अपनी बात को एक मिनट में कहे तो मैं अलाउ करूंगा, एक मिनट के बाद मैं सीएससी वाले पर आपका नियमन होना चाहिए, बंद कर दूंगा।